दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल इंडियाज नंबर वन इमर्जिंग स्कूल जहां है एकेडमिक्स स्पोर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स का बेहतरीन कॉम्बिनेशन. एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्री नर्सरी टू 9th. उनसे जानकारी है कि 24 तारीख को हमने पेट्रोल और डीजल की मांग को लेकर केंद्र सरकार व राज्य सरकार के पुतला जलाया था. उसका प्रशासन ने हमारे पर पुतला जलाने के लिए मना किया तो हम पुतला नहीं जलाया. प्रशासन ने हमारे को ये भी कहा कि 144 धारा लगी हुई है इसलिए आप पुतला नहीं जलाएं. हमने प्रशासन की बात को मानते हुए भी पुतला नहीं जलाया. चूँकि आम आदमी पार्टी एक संवेदनशील पार्टी है और लोगों को रोड पर लेकर आ रही है तो दोनों को ये डर बैठ गया है कि कहीं ये तीसरा विकल्प उभर कर बाहर ना आ जाए. इसलिए उन्होंने मेलाफाइड इंटेंशन रखते हुए हमारे विरुद्ध हमारे को दबाने के लिए कुचलने के लिए एक कानूनी कार्रवाई चालू कर दी. 144 के उल्लंघन की कानूनी कार्रवाई चालू कर दी और आपदा प्रकोष्ठ के आपदा के अंदर हमारे खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जो पूर्णतः गलत है. हम इसका पूर्णतः विरोध करते हैं. साथ ही अगर ये कार्रवाई हमारे ऊपर हुई है तो कांग्रेस और भाजपा ने जो कार्यक्रम किए उनके ऊपर ये कार्रवाई क्यों. इससे लगता है कि प्रशासन हमारे विरुद्ध कार्रवाई करना चाहता है, हमारे को दबाना चाहता है, कुचलना चाहता है. और इनकी दोनों की सरकार, एक की केंद्र में सरकार है और एक की राज्य में सरकार है, इनको ये बढ़ावा दे रहा है. इसलिए हम आम आदमी पार्टी इसका विरोध करते हैं. और कोरोना वैश्विक महामारी के चलते जो लॉकडाउन हुआ उसके अंदर जो लोगों का नुकसान हुआ है, आर्थिक रूप से जो लोग पिछड़े हैं, उनकी जो इच्छाएं हैं और उनके लिए जो हमारा कर्तव्य बनता है, उन सब चीज़ों को लेकर आम आदमी पार्टी लगातार सड़कों पर उतर रही है और उतरती रहेगी. इसी सिलसिले के अंदर पेट्रोल और जो पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े उसी का विरोध करने के लिए राज्य सरकार का और केंद्र सरकार का पुतला जलाने के लिए जब जिलाध्यक्ष महोदय और उनके साथी जब कलेक्ट्रेट के सामने पहुंचे तो उन्हें रोका गया और उसके बाद में उन्हें इस बात पर मजबूर किया गया कि वे पुतला ना जलाएं और जिसको उन्होंने माना और पुतला नहीं जला. इसके बाद में जब वो मानकर चले गए हैं उसके बाद प्रशासन का ये कदम अघोषित आपातकाल का कदम साबित होता है कि उन्होंने धारा 144 के उल्लंघन का और कोरोना महामारी के जो नियम हैं उनके उल्लंघन का केस दायर किया है इनके ऊपर. इसका आम आदमी पार्टी विरोध करती है. साथ ही आम आदमी पार्टी कुछ प्रश्न पूछती है. जब प्रभारी मंत्री प्रमोद जैन भाया आए और जागरूकता रैली के लिए जब उन्होंने उस चीज़ को स्टार्ट किया वहाँ पर और सब जने जब सड़क के ऊपर पूरा प्रशासन खड़ा हुआ था, कांग्रेस ही खड़े हुए थे, तो क्या आज प्रशासन में उस धारा 144 को जब तोड़ा गया तो वो मोदी और कलेक्टर साहब स्वयं के विरुद्ध मुकदमा दायर करेगी? प्रश्न नंबर एक. दूसरा, जब आम आदमी पार्टी अपना पुतला छोड़ करके वापस चली गई थी उसके बाद में जब कांग्रेस ने 1 से 1.5 घंटे बाद फव्वारा सर्कल पर वो करा जिसकी फोटो हमने आपको दिखाई है, पुतला जलाया, क्या उनके विरुद्ध एक धारा 144 के उल्लंघन और कोविड नियम के उल्लंघन का मुकदमा दर्ज कराया जाएगा? इसके बाद कल जो श्रद्धांजलि सभा थी कांग्रेस की और जिसमें लात और घूंसे चले, क्या उस 144 के अंतर्गत और कोविड नियम तोड़ने का मुकदमा चलाया जाएगा? इसके अलावा आप सब जानते हैं हमारे प्रथम इंद्रजीत गहलोत हमारे खुद के लोगों की डिमांड लेकर के जब खड़े हुए और उनके साथ पार्षद थे और उन लोगों को जब इन्होंने अरेस्ट किया लेकिन कोई मुकदमा दायर नहीं किया, वो भी धारा 144 का उल्लंघन था और कोविड नियम का उल्लंघन था, क्या उनके विरुद्ध आज तक कोई मुकदमा दर्ज कराया गया? आम आदमी पार्टी इन सब चीज़ों का विरोध करती है. आज अशोक गहलोत सरकार जो है वो डर चुकी है, उसको लग रहा है ये जो तीसरा एक विकल्प आ रहा है तो उन लोगों को अब डर लगने लगा है कि अब हमारी जो सत्ता है वो खत्म होने वाली है. क्योंकि नागरिकों के हितों की रक्षा के लिए आम आदमी पार्टी हरदम सड़कों पर उतरी है और हर काम उन्होंने नागरिक के हित की सुरक्षा के लिए. अच्छा, जो मुकदमा दर्ज कराया है ये किसके कहने पर हुआ है जो आपके लिए? देखिए, मैंने तो जो मेरे को पता चला है, आप लोगों ने जो प्रियंका जी का वो बाइट चलाया उससे और अखबार से पता चला जी. तो उसके अंदर तो यही है कि वहाँ पर कोई व्यक्ति पोस्टेड हैं, कोई पुलिस वाले, और उन्हीं के कहने पर ये मुकदमा दर्ज कराया गया है.
जब मैंने ये चीज़ देखी भास्कर में, तो भास्कर में ये लिखा है कि तो भी मैं नहीं माने और पुतला जलाया, इसका विरोध करती हूँ मैं, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, वो पुतले अभी भी हमारे पास है। क्या चाहते हो क्या आपका चाहना तो क्या है, हम तो लोगों को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि एक अघोषित आपातकाल है और अब इनके दिन गिनने शुरू कर लेंगे, क्योंकि हम जैसा विपक्ष आ गया है जो किसी भी प्रकार से अगर दबाया जाएगा तो दबने की नहीं है।